क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ क्रिकेट बॉल्स पे लाइंस होते हैं और कुछ क्रिकेट बॉल्स पे नहीं होते हैं? इसका कारण ये है कि कुछ क्रिकेट बॉल्स 2 पीस बॉल्स होते हैं और कुछ क्रिकेट बॉल्स 4 पीस बॉल्स होते हैं। आज मैं आपको फर्क समझाऊंगी। मैं हूं स्नेहल प्रधान, मैं पहुंची गली क्रिकेट से इंडियन क्रिकेट टीम तक और मेरे वीडियोस देख के आप भी आपका क्रिकेट लेवल अप कर सकते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी वाला बटन जरूर दबाना। वो देखो घंटी। टू पीस और 4 पीस बॉल का फर्क नाम से ही पता चलता है। एक 2 पीस बॉल सिर्फ 2 पीस लेदर से बनाया जाता है और एक 4 पीस बॉल 1, 2, 3, 4 पीसेस ऑफ लेदर से बनाया जाता है। अगर आपके पास अभी एक लेदर बॉल है तो जरा जाके देखो कि उस पे आपको लाइंस दिखाई दे रहे हैं क्या, और आपके उससे समझेगा कि वो 2 पीस है या 4 पीस, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अब 4 पीसेस ऑफ लेदर एक बॉल पे कहाँ से आते हैं? आप इन लाइन्स से, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, उससे आप पहचान सकते हो। 4 पीस बॉल्स में 4 पीस बॉल्स में 4 हाफ हेमिस्फीयर वाले पीसेस एक साथ अटैच हो जाते हैं। मगर ये ऐसे फिट कैसे हो जाते हैं मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कटा हुआ बॉल है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि व्हाट इज इनसाइड अ क्रिकेट बॉल, तब मैंने ये बॉल कट किया था। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। पर उसके अंदर देखो जरा, अंदर से आपको दिखाई देगा कि यहाँ स्टिचिंग है, जहाँ ये 2 पीस लेदर के 1 और 2 एक साथ जोड़ गए हैं। और 2 पीस बॉल्स पे आपको कहीं भी ये लाइन नहीं दिखाई देगी, तो उससे आप समझोगे कि ये एक 2 पीस बॉल है। जरा देखिए इसे। तो बेसिकली फर्क क्या पड़ता है? 2 पीस बॉल सिर्फ 2 पीस के लेदर के हैं, स्टिचिंग कम है तो वो थोड़े कम चलते हैं, थोड़े चीपर होते हैं, और ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बॉल स्विंग करता है। अब क्यों? ये समझो कि एक बिगिनर बॉल है ये। जैसे आप साइकिलिंग करते हो, तब साइकिलिंग पे आपके साइकिल पे साइड व्हील्स होते हैं ताकि आपको आपका बैलेंस रहे, और जैसे आप क्रिकेट शुरू करते हो तो एक 2 पीस बॉल से शुरू करोगे। थोड़ा सा चीपर बॉल है ताकि ये बॉल थोड़ा सा ज़्यादा स्विंग हो और आपको भी स्विंग पाने में थोड़ी सी मदद मिले। मगर जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, 4 पीस बॉल पे हल्का सा कम स्विंग होता है मगर ज़्यादा टिकता है, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी टाइट स्टिचिंग होता है। और ये आप देख सकते हो, ये एक SG टेस्ट बॉल है, तो हाई क्वालिटी जो बॉल्स होते हैं ना, वो सारे 4 पीस होते हैं। तो जो बॉल ज्यादा स्विंग हो रहा है उससे आप यॉर्कर कैसे डाल सकते हो? तो जो बॉल ज्यादा स्विंग हो रहा है उससे आप यॉर्कर कैसे डाल सकते हो, या जो बॉल स्विंग हो रहा है उससे आप एज अ बैटर फेस कैसे कर सकते हो? मैंने इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इनफैक्ट वहां पे मैंने मेरा फ्री गाइड भी लिंक किया है ऑन हाउ टू बी अ गुड बैट्समैन, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर हाँ तो लाइक बटन जरूर दबाना, इससे यूट्यूब ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। अगली बार मिलते हैं। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर क्रिकेट।